दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, भारत ने जैसे ही गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, पूरी दुनिया ने हमें उपदेश दिया था कि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट बराबर चालू रखना चाहिए, उल्टा भारत ने सस्ते दाम पर गेहूं बांटना चाहिए, जैसे कि मानो भारत ने दुनिया भर के लिए धर्मशाला खोल रखी हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया के द्वारा दिए जा रहे उपदेशों का हश्र आप देखिए अफगानिस्तान की जमीन पर। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान को बड़ा गर्व था कि उसने अफगानिस्तान को एक बार फिर से आजाद कराया है। अफगानिस्तान की मदद से वह भारत पर चढ़ाई करने की साजिश बुन रहा था, लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान की हालत बड़ी खस्ता है। वहां बिजली का संकट है, इसलिए पाकिस्तान की जो नई नवेली सरकार है, उनके दिमाग में नया आइडिया आया। आइडिया यह है कि क्यों ना अफगानिस्तान से कोयला खरीद लिया जाए। अफगानिस्तान से यदि कोयला खरीदेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तुरंत जो है पाकिस्तान ने एस्टिमेट लगा लिया कि यदि हम अफगानिस्तान से कोयला खरीदेंगे तो साल में कम से कम $2 बिलियन बचेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में निर्णय भी ले लिया कि चलो अब हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करेंगे। लेकिन 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 अब आप देखिए अफगानिस्तान की सरकार ने क्या किया, तालिबान ने क्या किया। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करने का निर्णय लिया, इधर तालिबान ने कोयले के दाम बढ़ा दिए। $90 प्रति टन के लेवल से भाव बढ़ाकर कर दिया गया $200 प्रति टन, मतलब कोयले का दाम दुगने से भी अधिक कर दिया गया। ये तो दाम बढ़ाया, साथ में 30% कस्टम ड्यूटी भी ठोकी है, मतलब $200 के कहीं ऊपर पाकिस्तान ने भाव देना पड़ेगा अफगानिस्तान को यदि उसने कोयला खरीदना है तालिबान से। ना सिर्फ तालिबान ने कोयले के दाम बढ़ाकर पाकिस्तान को जख्म दिया है, बल्कि अब तालिबान के मिनिस्टर लोग पाकिस्तान के जख्मों पर नमक भी छिड़क रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को हमारी जरूरत है, हमारा कोयला चाहिए, तो पाकिस्तान की इस जरूरत को हम एक पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, मोल भाव में इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। और जहां तक बात है अफगानिस्तानी कोयले की, तो उसका पहले इस्तेमाल किया जाएगा अफगानिस्तान की इंडस्ट्रीज के द्वारा। अफगानिस्तान का कोयला सबसे पहले अफगानिस्तान की इंडस्ट्री के काम में आएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो हम पाकिस्तान भेज देंगे। इस प्रकार अफगानिस्तान से जो भी कोयला इंपोर्ट करने की पाकिस्तान ने योजना बनाई थी, उस योजना की पहले दिन ही हवा निकाल दी है तालिबान ने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को भाई कहते हैं। तालिबान का यही काम था कि इस भाईचारे को आगे बढ़ाना। सुख दुख के ये दोनों साथी थे, एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने भारत को दंड देना था, लेकिन आज की डेट में ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच में खींचतान चल रही है। रही बात यह है कि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, और बिल्कुल वाजिब होगा आपका यह कहना, कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से कोयला चुरा सकता है। अरे साहब, पाकिस्तान तो गेहूं चुरा लेता है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कोयले की। पाकिस्तान चुरा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो चुराएगा तो दोनों देशों के बीच जो टेंशन है, तनाव है, वह और अधिक बढ़ेगा। मतलब दोनों देशों के बीच चिंगारियां उठेंगी, आग भड़केगी, समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या संकट के रूप में बदल जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं, उनकी आज आप असलियत देख लीजिए। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला पोसा, इस उम्मीद में कि तालिबान की मदद से वह अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, वही तालिबान अब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वह भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, इसलिए तालिबान को लेकर हाल के कुछ समय में भारत ने जमीन पर अपने मोहरे बदले हैं। लेकिन भारत अभी भी सजग है, चौकन्ना है, क्योंकि वही बात है, जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोयले को लेकर यह जो खींचतान चल रही है, वह भले ही हमें देखने में अच्छी लगे, इस दौरान भी हमने सजग और चौकन्ना रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में लगातार लगे रहना चाहिए। अब दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको आया है पसंद, तो लगे हाथों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यह वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।